नमस्कार, न्यूज एट 11 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुनीता राय शर्मा। सबसे पहले आपको राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की कुछ तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल चित्तौड़गढ़ में वन विभाग की परीक्षा के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां फिजिकल टेस्ट के लिए आई महिला उम्मीदवारों का टेस्ट महिलाओं ने नहीं बल्कि पुरुषों ने लिया। हैरानी की बात यह कि इस पूरे टेस्ट के दौरान महिला कर्मचारी भी मौके पर मौजूद थी और उनके सामने ये सब कुछ होता रहा। साथ ही उस वक्त राजस्थान वन विभाग के बड़े अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे, लेकिन किसी को भी कुछ गलत नहीं दिखा। महिला सीएम के राज में महिलाओं का अपमान। महिलाओं का फिजिकल टेस्ट कर रहे हैं पुरुष। वन विभाग की परीक्षा में बड़ी लापरवाही। यह अजीबोगरीब घटना राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की है। वन विभाग की लिखित परीक्षा में पास हुए करीब 1500 उम्मीदवारों के शारीरिक परीक्षण में बड़ी लापरवाही देखी गई। फिजिकल टेस्ट के दौरान महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग इंतजाम नहीं थे, बल्कि दोनों का परीक्षण पुरुष ही कर रहे थे। ये बड़ी लापरवाही होती रही और किसी को भी जरा भी परवाह नहीं थी कि यहाँ आई महिला उम्मीदवारों के लिए सबके सामने फिजिकल टेस्ट देना कितना मुश्किल हो रहा होगा। कैसे एक महिला फिजिकल टेस्ट के दौरान असहज है, सामने पुरुष को देखकर महिला को संकोच हो रहा है। पास ही एक महिला पुलिसकर्मी भी खड़ी है, लेकिन उसने उम्मीदवार का फिजिकल टेस्ट नहीं करवाया। टेस्ट के लिए आए सभी उम्मीदवारों की ऊंचाई और सीने की चौड़ाई मापी जा रही थी। जिस समय ये जांच हो रही थी वह वन विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी भी अधिकारी को वह कुछ गलत नहीं लगा। जिन लोगों को शारीरिक परीक्षण के बाद फिट माना गया है उनकी दौड़ होगी और इसके बाद फाइनल रिजल्ट होगा। 57 पोस्ट के लिए परीक्षा हुई थी, जिसमें से 1512 क्वालिफाई की थी। इसमें लड़कियों की 4 इवेंट हैं, 4 इवेंट लड़कों की हैं। लड़कियों के लिए स्टैंडिंग ब्राड जंप और 60 फुट मेडिकल, और कल इनकी पैदल चाल करवाई जाएगी। लड़कों के लिए क्रिकेट बॉल थ्रो, सीट अप, मेडिकल, और इनका भी कल पैदल चाल करवाई जाएगी। भारत में किसी महिला की फ्री स्किंग सिर्फ महिला ही कर सकती है, इसी तरह महिलाओं का फिजिकल टेस्ट भी सिर्फ महिलाएं ही करा सकती हैं। लेकिन चित्तौड़गढ़ में ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर अधिकारी खामोश हैं। हैरानी की बात यह है कि वन विभाग ने महिलाओं के टेस्ट के लिए महिला चिकित्सक को भी बुलाया था, लेकिन शारीरिक जाँच पर उनका कोई ध्यान ही नहीं गया। जिस राज्य की मुख्यमंत्री महिला है और जो हमेशा महिलाओं के अधिकारों की बातें करती हैं, उनके राज्य में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे होती रही, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। चित्तौड़गढ़ से दीपक व्यास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं जी राजस्थान न्यूज पर प्रमुखता से यह खबर दिखाए जाने के बाद वन और पर्यावरण मंत्री राजकुमार रिणवा ने आरोपियों को तत्काल सस्पेंड किया है। आपको बता दें कि जी राजस्थान न्यूज ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया। चित्तौड़गढ़ से यह पूरा मामला सामने आया, जहां वन विभाग की परीक्षा चल रही है, शारीरिक दक्षता को नापा तौला जा रहा था, और इसी दौरान ये तस्वीरें सामने आई जो बेहद हैरान करने वाली थी, बेहद शर्मनाक थी। बड़ी लापरवाही इन कर्मियों की, जहां महिला अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट पुरुष वनकर्मी लेते दिखे। इस पूरी खबर को प्रमुखता से जी मीडिया ने उठाया और इसका सीधा असर बकायदा वन और पर्यावरण मंत्री राजकुमार रिणवा ने हमसे बातचीत की। उन्होंने ये भरोसा दिया कि जो पुलिसकर्मी, जो वनकर्मी इस महिला कैंडिडेट की जांच कर रहा था, उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं बाकी के जो उच्च अधिकारी हैं, जिन्होंने ये ऑर्डर्स दिए थे, उनके खिलाफ भी जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। रिणवा ने हमारे साथ बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाएं। Thank you.
राजकुमार जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच परीक्षण किया आपने, उसको सस्पेंड कर दिया है, लेकिन बाकी के जो अधिकारी मौजूद थे जिनकी मौजूदगी में यह सब कुछ होता रहा, क्या वो जिम्मेदार नहीं, उनके खिलाफ क्या? मैं पता कर रहा हूँ, वो बोलता है कि वो डॉक्टर चाय पी रहा था, उसने कहा कि मैं चाय पीता हूँ, इसमें तुम कर लो, तो कौन डॉक्टर था ये मैं पता कर रहा हूँ, उस पर भी कार्रवाई करवाता हूँ। बिल्कुल, और हम तस्वीर अगर देख पा रहे हैं उनके, जहाँ पे ये टेस्ट हो रहा है बगल में एक महिला कर्मचारी भी है, तो ये किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया जाता है? क्या जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्हें ये रूल्स पता नहीं? नहीं नहीं, ये गलत किया है, मैं तो बता रहा हूँ, नहीं उसको तो मैंने कर दिया सस्पेंड जिसने किया उसको, पर किसके कहने से, वो तो मुझे ही बता रहा था कि डॉक्टर चाय पी रहा था तो कहा कि एक का तुम कर लो इतने में, तो क्यों क्यों किया तुमने? बोले साहब इतना मुझे पता नहीं है, अधिकारी था उसने, डॉक्टर ने कहने से, मैं डॉक्टर का पता करने के लिए, अभी वो DF हमारा था, वो कल दिल्ली गया हुआ था किसी केस में, तो वो मैं उसको बोला हूँ, तो आधी घंटा मुझे बताओ डॉक्टर कौन था वो। हेलो, कब तक हम उम्मीद करें कि पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी और अगली कार्रवाई भी होगी? राजकुमार साहब, बिल्कुल होगी, मेरे यहाँ कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, सब न्याय होता है मैडम। इतना आपने देखा कितना ट्रांसपेरेंसी से, इतना बड़ा 12.5 लाख लोगों का एग्जाम हुआ है, कहीं कोई शिकायत, पहली बार कोई ऐसा कोई एग्जाम हुआ होगा जहाँ इतना शानदार। अब मैंने फिजिकल के अंदर में बाकायदा वीडियोग्राफी करवा दी, कहीं कोई ट्रांसपेरेंसी में, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हो जाए, कहीं कोई सिफारिश से या कोई अन्याय नहीं हो जाए। जो बच्चे बेचारे ट्रेन के ऊपर में बैठ कर साल के अंदर में इतनी ठंड में परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके प्रति भी हमारा दायित्व है, तो उसके हिसाब से सारा काम हम कर रहे हैं। हमारे साथ में परमात्मा की कृपा, खूब बढ़िया सा हो रहा है, ये घटना होकर एक प्रकार का सारा हमारे। चलिए राजकुमार रणवा जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप जो बातें कह रहे हैं वो वाकई सच्चाई में बदले और इस पूरे मामले में जो असली दोषी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, क्योंकि ये जो वनकर्मी है वो तो टेस्ट ले रहा था, अपने सीनियर के ऑर्डर को फॉलो कर रहा था, लेकिन ये ऑर्डर दिए किसने, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी भी बेहद जरूरी। शुक्रिया आपका राजकुमार। तो चित्तौड़गढ़ का ये पूरा मामला, चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में ये टेस्ट चल रहा है। बता दें कि 16 फरवरी से शुरुआत इस टेस्ट की, 1 मार्च तक ये टेस्ट चलेगा और वन विभाग की परीक्षा है ये। तमाम चीजों पर ध्यान रखने के लिए बाकायदा वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है और इसी बीच ये तस्वीरें सामने आई है जो सवाल खड़े कर रही है कि आखिर ये परीक्षा कैसी, क्या जो सरकारी नुमाइंदे हैं उन्हें ही नियम कानून पता नहीं है, क्यों नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं ये, क्यों महिलाओं का अपमान इस तरीके से किया गया। तस्वीर देखिए, इन अभ्यर्थियों को देखिए, कितनी असहज है ये, कैसे इस दक्षता परीक्षा में अपने आप को साबित कर पाएंगी अगर इतनी असहज होंगी। ये ऐसे नियम हैं जो अमूमन हर एक आम आदमी तक को पता है, तो फिर इन पुलिसकर्मियों को, इन वन कर्मियों को, इन उच्च अधिकारियों को क्यों नहीं पता? दो तस्वीरें देखिए, इसमें एक बात आपको कॉमन दिखेगी, एक तरफ पुरुषों का टेस्ट चल रहा है, दूसरी तरफ महिलाओं का, लेकिन एक बात जो कॉमन है वो ये कि दोनों का टेस्ट एक पुरुष कर्मी ही ले रहा है। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? हालांकि जी मीडिया ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया, सीधा असर भी हुआ, खुद हमारे साथ मंत्री राजकुमार रणवा जुड़े, उन्होंने ये जानकारी दी कि जो वनकर्मी पुलिसकर्मी इन महिलाओं का टेस्ट ले रहा था उसे सस्पेंड कर दिया गया है और बाकी जो उच्च अधिकारी थे जिनकी गलती थी इस पूरे मामले में, जिन्होंने ऑर्डर्स दिए थे इस वनकर्मी को, पुलिसकर्मी को, उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी, फिलहाल जांच जारी है। लेकिन सवाल ये कि आखिर इस तरीके से महिलाओं का अपमान कब तक? महिला जिसके सम्मान की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है, खुले तौर पर जब परीक्षा ली जा रही है वन विभाग के लिए, इस तरीके से महिला अभ्यर्थियों का टेस्ट लेना कितना जायज है? हालांकि अब खुद मंत्री इस पूरे मामले पर सामने आए हैं, भरोसा दिलाया है कि हाँ ये सब कुछ गलत हुआ है, जल्द ही कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल ये भी कि आखिर इस तरीके से लापरवाही क्यों बरती जाती है? कोई पहला मामला इसे नहीं कहेंगे, इसके पहले भी कई बार तस्वीरें सामने आई जब पुरुष पुलिसकर्मी महिलाओं के साथ ज्यादती करते देखे गए हैं। सवाल ये कि देश में आखिर ये सब कब तक होता रहेगा और क्यों नहीं बार बार ऐसे मामले सामने आने के बाद सख्ती से निपटा जाता है, कड़ाई से निपटा जाता है, और क्यों बार बार नियमों की अवहेलना होती है, महिलाओं का अपमान होता है?
चित्तौड़गढ़ में वन विभाग की परीक्षा और इसी परीक्षा से ये तस्वीरें सामने आई है। जी राजस्थान न्यूज ने, जी मीडिया ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से उठाया और अब इसका सीधा असर, आरोपी पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया, वहीं जो सीनियर्स थे जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था उनके खिलाफ भी होगी सख्त कार्रवाई। बता दें कि 16 फरवरी से ही शुरुआत इस शारीरिक दक्षता परीक्षा की और जो तस्वीरें सामने आई है वो बेहद शर्मनाक, बेहद लापरवाही से भरी हुई और अब इस पर एक्शन भी शुरू हो गया है। जो कर्मी महिलाओं का टेस्ट ले रहा है, तस्वीरों में दिख रहा है, उसे सस्पेंड कर दिया गया और बाकियों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से एक बेहद ही शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। वन विभाग की परीक्षा के दौरान की ये तस्वीरें, जहां इतनी बड़ी लापरवाही देखी गई कि फिजिकल टेस्ट, जो महिला उम्मीदवार हैं, महिला कैंडिडेट्स हैं, उनका फिजिकल टेस्ट पुरुष कर्मी लेते देखे गए और इस पूरी खबर को जी मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया, इसका सीधा असर भी हुआ है। राजकुमार रिणवा मंत्री हमारे साथ खुद जुड़े, उन्होंने बताया हमें कि जो पुलिसकर्मी इन महिलाओं का टेस्ट ले रहा है, फिजिकल टेस्ट ले रहा है, उसे सस्पेंड कर दिया गया है और बाकी के जो उच्चाधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये कि इस तरीके का ये पहला मामला तो नहीं है, कब ऐसे मामलों पर लगाम लगाई जा सकती है, बड़ा सवाल है। जाना होगा हमें कई और वाक्यों के पीछे और समझना होगा कि क्यों बार बार वो प्रहरी जिन्हें संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है, संविधान के नियम कानूनों की ही धज्जियां उड़ाते हैं। हमारे साथ निशा सिद्धू जी, सामाजिक कार्यकर्ता, जुड़ गई हैं। निशा जी, आपका स्वागत करते हुए सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक महिला होने के नाते इन तस्वीरों को देखकर सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? देखिए, जो राजस्थान पुलिस का गौरवशाली इतिहास रहा है, ये उसमें एक धब्बा है, क्योंकि ये कोई यूं ही चूक नहीं होगी। हम जिस पुलिस प्रशासन के भरोसे पे ये सोचते हैं कि हर अपराध को रोका जाएगा, वहाँ इतनी बड़ी चूक का हो जाना, तो ये कोई ना समझी या नादानी तो नहीं कही जा सकती। जब आप इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा को देखते हैं तो उसमें और आज के दौर में अगर अपन बात करें तो इस तरह की चूक का हो जाना, ये मुझे लगता है कि गंभीर लापरवाही है जो राजस्थान पुलिस की तरफ से हुई है। बिल्कुल निशा सिद्धू जी, लेकिन ऐसा कोई पहला मामला नहीं। हाँ, ये फिजिकल टेस्ट लिया जा रहा है, शायद इस तरीके का ये मामला पहला आया हो, लेकिन इसके पहले भी कई बार पुलिस कर्मी जो होते हैं, पुरुष पुलिस कर्मी, उनके द्वारा महिलाओं पर ज्यादती करने की तस्वीरें बार बार सामने आई हैं। सवाल ये कि क्यों ऐसे मामलों को हम जाने देते हैं, या क्या हम इतने हल्के में ले लेते हैं, क्या कड़ी कार्रवाई नहीं करते कि ऐसे मामले बार बार सामने आते हैं? देखो, मेरा तो स्पष्ट मानना है कि राजस्थान का जो गृह विभाग है, गृह मंत्रालय है, गृह मंत्री जी हैं जी, वो मुखिया हैं इस पूरे विभाग के, और उनसे ऊपर है हमारी मुख्यमंत्री जी, तो मुझे लगता है कि ये उनकी जानकारी में होना चाहिए। और बार बार इस तरह की बातें होना, ऐसे घटनाक्रमों का दोहराना, तो ये इसके माने ये कि वो इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। एक इश्यू हुआ, जनता की भूलने की आदत है, जनता भूल गई, आप उसको गौण कर दोगे, तो ये कहीं ना कहीं चूक तो वहां से है। अगर उनकी तरफ से पूरी मुस्तैदी दिखाई गई होती तो ये ऐसी हिम्मत किसी की दोबारा नहीं होती कि आप औरतों के अंगों को छू रहे। एक तरफ तो हमारे जो वो कानून है जो हमें इस बात की इजाजत देते हैं कि कोई हमारे साथ ताक जांग करे, कोई हमारे अंगों को छुए, कोई हमारे ऊपर भद्दी टिप्पणी करे, तो उनको ये सजाएं होंगी। नॉन बेलेबल ऑफेंस भी बना दिए गए हैं, गैर जमानती उनको कर दिया गया है, और दूसरी तरफ आप सीधे सीधे अपने उस बेड़े के अंदर, वहां पे आप औरतों के अंगों को छू रहे हैं, चाहे वो माप लेने के नाम से हो या इस तरह की घटनाएं पहले भी जो भी घटी हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो उच्च स्तर पे भी कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी इसकी दिखाई दे रही है। अगर वो गंभीर होते तो नीचे किसी अमले की ये हिम्मत नहीं हो सकती कि उस घटना को दोहराएं। बिल्कुल, बल्कि इस मामले की बात अगर हम करें निशा सिद्धू जी, तो इस पूरे मामले में इस पुलिसकर्मी को जो ऑर्डर मिले थे उसके सीनियर से ही मिले थे कि तुम जांच कर लो। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही, इतना बड़ा कदम इस तरीके से ये उठा कैसे सकते हैं, जबकि महिला कर्मी भी वहां पर मौजूद है। अगर आप तस्वीरें देख पा रही हो, बगल में एक महिला कर्मी भी है, कैसी मानसिकता है हमारे अधिकारियों की?
बिल्कुल सही कहा आपने कि ये मानसिकता का सवाल भी है, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि गाज तो सबसे निचले पायदान पे ही आके गिरती है और सबसे पहले इन्हीं को सस्पेंड किया गया जिन्होंने आदेश दिए हैं, उनके ऊपर कोई जांच नहीं होती है। और अगर आपके पास महिला अधिकारी उपलब्ध नहीं है, आप किसी महिला सामाजिक कार्यकर्ता को भी बुला सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी गैर सरकारी संस्थाएं काम करती हैं और वो इसमें बहुत खुशी खुशी आपका सहयोग करती। और वैसे भी महिला टेलर्स बहुत है नाप लेने के लिए, आपका अपना पुलिस के अंदर जब आप 30-33% महिला आरक्षण की बात करते हैं भर्तियों के अंदर, या आपके पास ऐसा अमला है महिला कांस्टेबल से लेकर ऊपरी रैंक तक महिला अधिकारी हैं, तो मुझे लगता है कि उनको इस तरह की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी। और उनके होते हुए भी अगर पुरुष साथी ये सब कर रहे हैं तो सबसे पहले तो कार्यवाही उस पर होनी चाहिए जिसने ये आदेश दिया है, लेकिन हुआ इसका उल्टा है, इस कांस्टेबल के ऊपर सबसे पहले गाज गिरी है, तो वो क्यों साफ साफ बच जाते हैं हर बार इस तरह के आदेश देने के बाद भी। तो मुझे तो ये लगता है कि कार्यवाही निष्पक्ष होनी चाहिए, उस उच्च अधिकारी के खिलाफ होनी चाहिए। और राजस्थान पुलिस के जिस गौरवशाली इतिहास की मैं बात करती हूँ, ये उसको धूमिल जो किया जा रहा है, तो उसके लिए पूरा तरह से गृह मंत्री का विभाग भी जिम्मेदार है, क्योंकि वो मुझे लगता है चौकन्ने नहीं है, सतर्क नहीं है और मुस्तैद नहीं है, इसीलिए चूक ये बार बार होती है और हर बार किसी ना किसी बहन बेटी की इज्जत को उछाला जाता है, उनके सम्मान और गरिमा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता। निशा सिद्धू, ये तो एक जानकारी आपको देते हुए एक सवाल मेरा कि क्या इसमें कहीं ना कहीं महिलाएं भी दोषी हैं, क्योंकि इस पूरे मामले की चित्तौड़गढ़ से जो मामला सामने आया है, यहाँ बाकायदा महिला चिकित्सक को बुलाया गया था टेस्ट के लिए, लेकिन अब तक जो जानकारी है इस पुलिसकर्मी को उनके द्वारा ऑर्डर्स दिए गए कि तुम इन लोगों का टेस्ट ले लो, तो क्या कहीं ना कहीं हमारी असंवेदनहीनता भी महिलाओं पर भारी पड़ती है? मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का कानून है 2013 का, उसका ठीक तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, उसकी जानकारियां, उसका प्रचार प्रसार जो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है वो उसको प्रचारित करने में कहीं ना कहीं असफल रहे हैं। अदरवाइज चाहे वो महिला डॉक्टर हो चाहे कोई और हो, हर विभाग के अंदर सरकारी गैर सरकारी हर स्थल के ऊपर ये कमेटी बननी है और उस कमेटी की भी ये जवाबदेही है। और क्यों नहीं हमारी ये बेटियां वहां पे शिकायत करें, क्योंकि ये उनका वर्क प्लेस है जहां पे वो अपनी भर्ती करने के लिए, वो सिर्फ उन पे लागू नहीं होता जो वहां पे काम करते हैं, उनके लिए भी लागू होता है जो वहां पे किसी ना किसी काम से या कारणवश उस जगह पे आए हैं। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह से होना चाहिए था, इसमें महिला अधिकारिता जो है नोडल डिपार्टमेंट है इसका, तो वो कितना इसको कर पाए हैं आगे तक इसको प्रचारित, या इस कानून की पालना करवा पाए हैं, या उसकी निगरानी कितनी कर पाए हैं, उसकी मॉनिटरिंग या ट्रेनिंग कितनी कर पाए हैं, ये सारे सवाल उनके लिए भी खड़े होते हैं। और उन सबसे भी ज्यादा हमारे राजस्थान के अंदर अभी राज्य महिला आयोग है, और महिला आयोग चूंकि इन सबके साथ तालमेल कर के असल नीति के नीतिगत सवालों को लेके या प्रशिक्षण को लेके या निगरानी करने का काम करता है, तो ये जवाबदेही कहीं ना कहीं वहां से भी उठती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेना ही होगा, क्योंकि ये तमाम जो अभ्यर्थी पहुंची हैं शायद वो वहां पर विरोध ना कर पाई हो, लेकिन जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारी भी है। आपको बता दें निशा सिद्धू जी, अब से कुछ देर पहले ही हमारी खुद मंत्री राजकुमार रिणवा जी से बातचीत हुई थी, उन्होंने जानकारी दी कि एक्शन शुरू हो गया है, साथ ही भरोसा भी दिया कि प्रदेश की जो बेटियां हैं जो बहनें हैं उनका सम्मान जरूर रखा जाएगा, उनका अपमान नहीं होने देंगे। कितना भरोसा करती हैं आप ऐसे माहौल में जब ऐसी तस्वीर भी सामने आती है और ये बयान सामने आता है? ये एक राजनीतिक बयानबाजी है, तुरंत कोई घटना घटी है उस पर एक बयान दे दिया गया, बाद में कितना रिणवा जी अमल करेंगे, क्योंकि वो तो खुद ही किसी मामले में फंसे हुए हैं, रोज अखबारों में उनके बारे में पढ़ा जाता है, तो इसमें कितनी ईमानदारी बरती जाएगी ये उस पर है। लेकिन ये प्रयास जो किए हैं ये बहुत नाकाफी है, इसको इसमें और तेजी लाने की जरूरत है, और इसको मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए, ये उनकी नजर में आना चाहिए मामला, उनको पता होना चाहिए, और ये सारे विभागों का आपस में बेहतर तालमेल होना चाहिए, क्योंकि
गृह विभाग किसी और तरीके से काम कर रहा है, उसके अंतर्गत राजस्थान पुलिस आती है, महिला बाल विकास विभाग किसी और तरह से काम कर रहा है, तो इनके आपस में तालमेल होने चाहिए कि महिलाओं के गरिमा के जो सवाल हैं, महिलाओं की गरिमा का कहीं हनन हो रहा है या ऐसे घटनाक्रम घट रहे हैं तो उसका उतना तेजी से स्वतः स्फूर्त जो है वो निर्णय होने चाहिए और उन निर्णय को की पालना करवाई जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ देखने में ऐसी मुस्तैदी आती नहीं है। समझना होगा कि सरकार और प्रशासन की उदासीनता ही महिलाओं के सम्मान की राह में आड़े आ रही है। सवाल ये भी कि आज भी क्यों, मॉडर्न सदी में भी क्यों, 21वीं सदी में भी क्यों महिलाओं को अपने सम्मान के लिए जंग लड़नी पड़ रही। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे समाज को, पूरे प्रशासन को, सरकार को, हम सबको शर्मसार किया है। दरअसल वन विभाग की परीक्षा के दौरान एक बड़ी लापरवाही देखी गई है। यहां फिजिकल टेस्ट के लिए आई महिला उम्मीदवारों का टेस्ट महिलाओं ने नहीं बल्कि पुरुषों ने लिया। आखिर क्यों बार बार महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ होता है और यह सिलसिला रुकेगा कैसे? हालांकि आपको जानकारी दे दें कि जी मीडिया ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद इसका असर हुआ। हमारे साथ मंत्री राजकुमार रिणवा जुड़े, उन्होंने जानकारी दी कि जिस पुलिसकर्मी ने टेस्ट लिया उसे सस्पेंड कर दिया गया है, पूरे मामले की जांच की जा रही है। भरोसा भी दिलाया कि प्रदेश की बहन बेटियों का सम्मान बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन सवाल सिर्फ इतने ही नहीं है, सवाल ये कि बार बार महिलाओं के सम्मान पर प्रहार आखिर होता क्यों है, महिलाओं के सम्मान से इतना बड़ा खिलवाड़ आखिर क्यों किया गया, वो भी तब जब बकायदा महिला डॉक्टर को बुलाया गया था, एक महिला पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद है, क्यों नहीं महिला पुलिसकर्मियों ने फिजिकल टेस्ट किया, आखिर महिलाओं के सम्मान का ख्याल क्यों नहीं रखा जाता है, बार बार ऐसा क्यों होता है, पुलिस वालों को महिलाओं के सम्मान की ट्रेनिंग आखिर क्यों नहीं दी जाती, आला अधिकारियों ने क्यों नहीं इस पूरे मसले पर ध्यान दिया, ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका जवाब भी सरकार और प्रशासन को देना होगा। और महिलाओं के सम्मान पर प्रहार क्यों और आखिर कब तक, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी मीडिया इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है, कोशिश ये भी कि ऐसे मामलों पर अब तो लगाम लगे। हालांकि इस मामले पर एक्शन तो शुरू हो गया है, पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सवाल बस यही कि ये सिलसिला थमेगा कब, कब हम ये भी सिखाएंगे इन तमाम पुलिसकर्मियों को, इन तमाम अधिकारियों को कि महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना इनकी जिम्मेदारी है, ना कि उनका अपमान करना, ना कि उनके सम्मान का खिलवाड़ करना। और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता निशा सिद्धू लगातार बनी हुई हैं। इसी बीच अजमेर से जी मीडिया संवाददाता मनवीर सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनवीर, ये जो खबर सामने आई है, जाहिर सी बात है प्रदेश भर में, देश भर में महिलाओं को इस खबर ने झकझोरा भी होगा, कैसी प्रतिक्रिया अजमेर से? देखिए सुनीता, जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये पूरा वाकया सामने आया है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि महिलाओं की अस्मिता के साथ में खिलवाड़ करने की कोशिश है। कानून साफ तौर पर कहता है कि महिला अभ्यर्थियों की अगर शारीरिक परीक्षा की जाएगी तो उसके लिए महिला कर्मियों का वहां पर तैनात होना, उनके द्वारा ही ये शारीरिक परीक्षा ली जानी चाहिए, ये कानून साफ तौर पर कहता है। लेकिन आज जिस तरीके से लगातार कुछ भर्ती जो परीक्षाएं हैं उन पर सवालिया निशान उठे हैं और ये ताजा मामला सामने आया है, ऐसा लगता है कि जैसे बंदर के हाथ में उस तरह थमा दिया गया हो। गैर अनुभवी जो विभाग हैं उनके हाथ में भर्ती परीक्षाओं को दिया जाना शायद इन परीक्षाओं को विवाद में ला रहा है। बात चाहे वनपाल भर्ती परीक्षा की जाए या जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा की जाए, इन तमाम परीक्षाओं का हश्र हमने देखा। राजस्थान के अंदर कहने के लिए साफ तौर पर कुछ भर्ती एजेंसियां हैं जिनके अंदर हम बात कर लेते हैं अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड की, हम बात कर लेते हैं आरपीएससी की, रीट की परीक्षा जिस तरीके से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा ली गई, ये तमाम वो एजेंसियां हैं जिनके पास पर्याप्त अनुभव है, पर्याप्त संसाधन है और उन संसाधनों का उपयोग बच्चों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस तरह की भर्ती परीक्षाएं उनके द्वारा ली जाए ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बजाय इसके विभाग ने, जो सरकार है उसने विभागों को भर्ती का जिम्मा सौंप दिया और तमाम तरह के विवाद एक के बाद एक उठकर सामने आ रहे हैं। जाहिर तौर पर वन विभाग की अगर हम बात करते हैं तो उसको बहुत बेहतर तरीके से इस बात की जानकारी होगी कि अगर कोई महिला अभ्यर्थी है तो उसके लिए क्या क्या नियम कायदे कानून बने हुए हैं, उनकी किस तरीके से पालना की जानी चाहिए और उस पालना को सुनिश्चित करने के लिए सक्षम अधिकारी कौन है। केवल मात्र कुछ कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई कर देने भर से ये पूरा मामला शांत नहीं हो जाने वाला है। कहीं ना कहीं वो अधिकारी जो इस भर्ती परीक्षा के लिए जिम्मेदार थे, आरोपों के घेरे में, सवालों के घेरे में वे भी हैं।
सरकार को सोचना होगा कि आखिर ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारियों के माध्यम से अगर भर्ती परीक्षाएं ली जाएंगी तो उनके हश्र क्या होंगे। जी सुनीता। बिल्कुल मनवीर, बेहद अहम जो पॉइंट्स आपने उठाए, और फिलहाल मैं निशा सिद्धू जी का रुख करूंगी, लेकिन आपसे ये भी दरख्वास्त कि अगर कुछ लोग हो, महिला पुरुष, जो इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकें, आप अगर उनसे बातचीत करवा सकें तो लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन उसके पहले निशा सिद्धू जी का रुख करती हूँ। निशा सिद्धू जी, पुलिस की जब ट्रेनिंग होती है, अधिकारियों की जब ट्रेनिंग होती है, तो तमाम बातों की एक ट्रेनिंग जानकारी उन तक पहुंचाई जाती है, क्या अब महिलाओं का सम्मान कैसे करना है ये भी सिखाने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल सुनीता जी, उसकी आवश्यकता है, और जो पुलिस का सिलेबस है ट्रेनिंग के दौरान उनको पढ़ाया जाता है, उसमें जब और नए नए बदलाव हो रहे हैं, वहाँ जेंडर सेंसिटिविटी क्या है उसके बारे में भी कुछ बदलाव हुए भी हैं और कुछ और करने की आवश्यकता है, क्योंकि आला अधिकारी तो समझ जाते हैं, जो उच्च अधिकारी हैं उनको पता है कि महिला आपके दफ्तर में आई है तो उसके साथ कैसे बात करनी है, लेकिन जो थाना रीढ़ की हड्डी है, जो पुलिस लाइन रीढ़ की हड्डी है, जो रिजर्व में फोर्स है वो उनकी रीढ़ की हड्डी है, तो उस रीढ़ की हड्डी को और मजबूत करना है तो महिलाओं की गरिमा का तो ध्यान भी रखना होगा और उनको वो सारे ट्रेनिंग का हिस्सा बनना पड़ेगा। वो जो नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, रोज नए नए बदलाव आ रहे हैं या नए नए जजमेंट आ रहे हैं सर्वोच्च अदालतों के, तो उन सबसे अपडेट करवाना कि न्यायालय क्या सोचता है, लोग क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए, और किस तरह से महिलाओं के अस्तित्व के ऊपर अगर कोई भी आंच आती है तो उसको बिल्कुल भी अनदेखी उसकी नहीं की जानी चाहिए, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, किस तरह से उनके साथ आपकी बातचीत की टोन होनी चाहिए, कैसे आप सलीके के साथ उनसे बातचीत करें और कैसे उनका सम्मान करें, ये सारी बातें जो हैं ये उस सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए जो राजस्थान पुलिस को दिया जाता है। ये उनके नए नए चीजों के साथ उनको जोड़ना पड़ेगा, जहां आपने टेक्नोलॉजी के साथ उनको जोड़ दिया, लेकिन साथ साथ ये व्यवहारिक जो बात है और जो सच में कानून ने उनको दिया, देश के संविधान ने उनको ये अधिकार दिया, तो उसका सम्मान भी करना पड़ेगा, उल्लंघन होगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला। बिल्कुल, सिर्फ शारीरिक ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि ये भी बताना जरूरी होगा थोड़ा पीछे जाकर कि शुरुआत कहां से करनी है, कैसे किससे व्यवहार करना है। बेहद अहम ये पॉइंट आपने निशा सिद्धू जी बताया है। आपसे मैं एक आपका अनुभव जानना चाहूंगी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, महिलाओं से जुड़े मुद्दे में भी कई बार आपने अपनी आवाज उठाई है, अमूमन क्यों ऐसा होता है कि महिलाओं को अपने सम्मान के लिए भी लड़ना पड़ता है, क्यों नहीं हम बाकी लोगों से ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि हमें हमारा सम्मान, हमें हमारी आत्मनिर्भरता खुद ही दी जाएगी, क्यों हमें बार बार मांगना पड़ता है? देखिए सुनीता जी, जिस आदि आबादी की हम बात कर रहे हैं वो आदि आबादी अभी भी हमारे परिजनों के ऊपर निर्भर करती है, अभी भी हमारे इंपॉर्टेंट फैसले जो हैं वो लोग लेते हैं, चाहे वो जीवन का फैसला हो, चाहे शादी का हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का हो, चाहे और बातें हो, बहुत सारा हिस्सा पढ़ लिख के आगे निकल गया है लेकिन बहुत सारा हिस्सा भी बहुत पीछे है। हमने अपनी बेटियों को सिखाया ही नहीं है कि अपने हक के लिए कैसे आपको लड़ना, ये देश के संविधान ने आपको एक नागरिक होने का हक दिया है, बराबरी का दिया है, समानता का दिया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दिया है, कोई आपके साथ ऊंचा नीचा नहीं कर सकता, ये सारे अधिकार आपको दिए हैं। हम आज भी बेटियों को अगर शिक्षा वहीं से देंगे कि तुझे पराए घर जाना है, तुझे वहां पैसे रहना है, तुझे ऊंचा नहीं बोलना है, अरे किसी के साथ बहस में नहीं पड़ना है, तो मेरे ख्याल में बहस नहीं करेंगे, तर्क नहीं रखेंगे, तो मुझे लगता है कि फिर हमारी बेटियां खुल के इस बात का विरोध भी नहीं कर पाएंगी, वो डरी सहमी जरूर रहेंगी और वो झिझक भी उनके अंदर रहेगी। तो उस जड़ता को तोड़ने की जरूरत है और उस जड़ता पे प्रहार करने की आवश्यकता है कि हमारी बेटियां खुल के बात कर सकें और विरोध कर सकें और कुछ ऐसा होता है तो उसका प्रतिरोध कर सकें, ये हमारी बेटियों के अंदर हम लोगों को डालना होगा। जी बिल्कुल, बेहद अहम ये मुद्दे जो आप उठा रही हैं, और समझना होगा इन तमाम चीजों को, सोचना हमें भी होगा, क्योंकि आवाज तो हम उठाते हैं जब ऐसा कोई मसला सामने आता है लेकिन उसके बाद क्यों उसे भूल जाते हैं, क्यों नहीं उसके जड़ तक जाते, ये भी बेहद अहम है। बहरहाल ये जो पूरा मामला सामने आया है चित्तौड़गढ़ से, क्या कैसे शुरुआत हुई इसकी, अब तक क्या कुछ हुआ है ये एक बार जरा आपको बता दें। क्या
दरअसल चित्तौड़गढ़ का ये पूरा वाक्या जहां वन विभाग की परीक्षा का आयोजन हुआ है, 16 फरवरी से ही इसका आयोजन शुरू हुआ है, 1 मार्च तक ये परीक्षा होगी। इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई बेहद शर्मनाक, बेहद ऐसी तस्वीरें जो सवाल खड़े करती है हमारी मानसिकता पर भी और साथ ही हमारे अधिकारियों की सोच पर भी। दरअसल जो महिला कैंडिडेट्स हैं, महिला उम्मीदवार हैं, उनकी शारीरिक दक्षता की परीक्षा, उनका फिजिकल टेस्ट वहां मौजूद पुरुष पुलिसकर्मी ने लिया। सवाल उठा, मामला उठा तो बकायदा मंत्री जी सामने आए, भरोसा दिलाया कि एक्शन शुरू हो गया है, पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है, बेटियों की गरिमा की रक्षा की जाएगी। लेकिन मामला सिर्फ इतना सा ही नहीं है, मामला ये भी कि जो उच्चाधिकारी मौके पर मौजूद थे उनके खिलाफ क्या हो रहा है। बगल में ही एक महिला कर्मचारी भी खड़ी है, क्या उसमें भी इतनी संवेदनशीलता नहीं थी कि इस मामले को वो समझे, उस असहजता को समझे जो इन बच्चियों के चेहरे पर, इनके हाव भाव पर हमें साफ दिख रहा है। और सवाल इतना कि एक महिला मुख्यमंत्री से जो उम्मीदें प्रदेश को हैं उसका निर्वहन आखिर कब होगा और कैसे होगा। और ये तस्वीरें जो सवाल उठा रही है और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश जी मीडिया भी कर रहा है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता निशा सिद्धू जी लगातार बनी हुई हैं, जो बता रही हैं कि आखिर गलतियां कैसे और कहां से शुरू होती हैं। इसी बीच अजमेर से जी मीडिया संवाददाता मनवीर सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनवीर, मैं आपका रुख करूंगी, जब भी ऐसा कोई मामला सामने आता है आवाज उठाई जाती है, मीडिया भी बकायदा ऐसे मामलों को उठाता है, लेकिन क्या जैसे एक्शन होने चाहिए वो हो रहे हैं? देखिए सुनीता, मैं फिर इसी बात को दोहराना चाहूंगा कि हमेशा कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति की जाने की कोशिश की जाती है। मंत्री जी का बयान आया, पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया। हो सकता है कि मंत्री जी तक जो जानकारी पहुंची वो मात्र इतनी थी कि एक पुलिसकर्मी ने महिला अभ्यर्थी का जो फिजिकल टेस्ट है वो लिया, लेकिन क्या इस पूरे परिप्रेक्ष्य में ये सोचना जरूरी नहीं है कि उस पुलिसकर्मी ने किस अधिकारी के निर्देश पर महिला अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट लिया? कहीं ना कहीं इस पूरी खबर के मूल में अगर कोई है तो अधिकारियों की एक ऐसी सोच है जो कि काम को केवल काम के तरीके से निपटा भर देने की मानसिकता रखते हैं, उनसे जुड़े हुए तमाम जो संवेदनशील पहलू हैं उनके ऊपर उनकी नजर नहीं होती और इस तरह की घटनाएं आम होती जा रही हैं। पूरे जो अधिकारी थे संबंधित जिन्होंने कि उस पुलिसकर्मी को ये निर्देश दिया कि आप महिला अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट लें, वो अधिकारी आखिर था कौन और किस मानसिकता के साथ में एक पुरुष जो पुलिसकर्मी है उसको वहां पर तैनात कर दिया गया? जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सोच में जो कमी है वो अधिकारियों की सोच में कमी है। किसी पुलिस भर पुलिसकर्मी को निलंबित भर कर देने से बात नहीं बनने वाली। सर, एक पूरा मामला सामने आता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर एक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया, वहां पर महिला अभ्यर्थियों का जो फिजिकल टेस्ट है पुलिसकर्मी वहां पर ले रहे थे। आखिर सरकार किस दिशा में जा रही है, किस दिशा के अंदर हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की और दूसरी तरफ ऐसे वाक्य, क्या लगता है? मुझे लगता है कि एक जाति है और सामाजिक रूप से भी बुराई है, जो महिला अभ्यर्थी जो बेरोजगार है और कोई परीक्षा देने आए हैं उनमें फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस ऑलरेडी इतना होता है, उसके बाद पुरुष पुलिस द्वारा उनकी तलाशी लिया जाना और उनको बेनकाब करना बहुत ही अनुचित है और ये सामाजिक बुराई है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। समाज को आवश्यकता है कि भाई चीटिंग रोके, उसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक तरीके हैं, आप क्लास में जैमर लगा दीजिए सारा ऑफ हो जाएगा, और या फिर उचित रूप से महिला कर्मी लगाइए, महिला अभ्यर्थी लगाइए जो उनको चेक कर सके। देखिए, इनका जो कहना है वो सीधे तौर पर बात केवल महिलाओं की तलाशी की नहीं है या यूं कहें कि फिजिकल टेस्ट की नहीं है, इन्होंने वास्तव में जिस बात को उठाने की कोशिश की है कि पिछले दिनों चाहे हम रीट की परीक्षा की बात करते हैं, पटवारी भर्ती परीक्षा की बात करते हैं, या उससे पहले जो RPSC के द्वारा कुछ परीक्षाएं ली गई जिनके अंदर AIPMT की तर्ज के ऊपर तलाशी अभियान छेड़ा गया, वहां पर महिला अभ्यर्थियों के गहनों को बैन किया गया। गहने खासतौर पर जिस तरीके से बोर्ड के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा, बोर्ड ने उस बात को फिर बाद में स्वीकार करते हुए संशोधन किया कि महिलाएं मंगलसूत्र पहनकर नहीं जा सकती। मंगलसूत्र सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सुहाग का प्रतीक चिन्ह माना जाता है हिंदू समाज के अंदर। तो ये जो तमाम बातें हैं, तमाम तरह से जो उठ रही हैं, कहीं ना कहीं एक माहौल पैदा कर रही हैं। एक तरफ महिलाएं अपने आप को अपमानित महसूस कर रही हैं और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो जन जागरूकता भी धीरे धीरे इन मामलों में आने लगी है, इन मामलों में विरोध भी जो
आम जनता का है वो खुलकर सामने आने लगा है और समाज से भी ये मांग उठने लगी है कि इस तरह की जन जागरूकता आ रही है लेकिन कुछ ज्यादा ही धीरे आ रही है और ये भी समझना होगा मनवीर। इसी बीच तमाम दर्शकों को बता दें कि इस मामले पर अब सरकार भी सक्रिय है। मंत्री राजकुमार रणवा हमारे साथ जुड़े, भरोसा दिलाया कि कार्रवाई जरूर होगी, सख्ती से होगी। एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया है, आगे जांच भी हो रही है, साथ ही ये भी भरोसा कि बेटियों के सम्मान की रक्षा जरूर होगी। सुनिए ये पूरी बातचीत। अब दोनों पर भी कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल, यानी कि अब आप जांच करवा रहे हैं। राजकुमार साहब, राजकुमार जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ हाँ, अब आ रही है मैम। हेलो जी, बिल्कुल, तस्वीर सामने आई है जिसने शारीरिक परीक्षण किया, आपने उसको सस्पेंड कर दिया है, लेकिन बाकी के जो अधिकारी मौजूद थे जिनकी मौजूदगी में ये सब कुछ होता रहा, क्या वो जिम्मेदार नहीं, उनके खिलाफ क्या? मैं पता कर रहा हूँ, वो बोलता है कि वो डॉक्टर चाय पी रहा था, उसने कहा कि मैं चाय पीता हूँ, इतना तुम कर लो, तो कौन डॉक्टर था ये मैं पता कर रहा हूँ, उस पर भी कार्रवाई करवाता हूँ। बिल्कुल, और हम तस्वीर अगर देख पा रहे हैं उनके, जहाँ पे ये टेस्ट हो रहा है बगल में एक महिला कर्मचारी भी है, तो ये किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया जाता है? क्या जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उन्हें ये रूल्स पता नहीं? नहीं नहीं, ये गलत किया है, मैं तो बता रहा हूँ, नहीं उसको तो मैंने कर दिया सस्पेंड, जिसने किया उसको, पर किसके कहने से, वो तो मुझे ये बता रहा था, डॉक्टर चाय पी रहा था तो कहा कि एक का तुम कर लो इतने में, तो क्यों किया तुमने? बोले साहब इतना मुझे पता नहीं है, वो अधिकारी था, उसने डॉक्टर ने कहने से, मैं डॉक्टर का पता करने के लिए, अभी वो डीए वो हमारा था, वो कल दिल्ली गया हुआ था किसी केस में, तो वो मैं उसको बोला हूँ, तो आधी घंटा मुझे बताओ डॉक्टर कौन था वो। हेलो, कब तक हम उम्मीद करें कि पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी और अगली कार्रवाई भी होगी? राजकुमार साहब, बिल्कुल होगी, मेरे यहाँ कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, सब न्याय होता है मैडम। इतना आपने देखा कितना ट्रांसपेरेंसी से, इतना बड़ा 12.5 लाख लोगों का एग्जाम हुआ है, कहीं कोई शिकायत, पहली बार कोई ऐसा कोई एग्जाम हुआ होगा जहाँ इतना शानदार। अब मैंने फिजिकल के अंदर में बाकायदा वीडियोग्राफी करवा दी, कहीं कोई ट्रांसपेरेंसी में कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हो जाए, कहीं कोई सिफारिश से या कोई अन्याय नहीं हो जाए। जो बच्चे बेचारे ट्रेन के ऊपर में बैठ कर शर्ट के अंदर में इतनी ठंड में परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके प्रति भी हमारा दायित्व है, तो उसके हिसाब से सारा काम हम कर रहे हैं। हमारे साथ में परमात्मा की कृपा है, खूब बढ़िया सा हो रहा है, ये घटना होकर एक प्रकार का सारा हमारे को। चलिए राजकुमार रणवा जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप जो बातें कह रहे हैं वो वाकई सच्चाई में बदले और इस पूरे मामले में जो असली दोषी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, क्योंकि ये जो वनकर्मी है वो तो टेस्ट ले रहा था, अपने सीनियर के ऑर्डर को फॉलो कर रहा था, लेकिन ये ऑर्डर दिए किसने, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी भी बेहद जरूरी। शुक्रिया आपका राजकुमार रणवा साहब। तो ये बड़ी जानकारी आपको एक बार फिर से बता दें, जी राजस्थान न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। सुमन शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। पूरे प्रदेश की महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना कहीं ना कहीं सुमन जी आपकी भी जिम्मेदारी है। ये तस्वीरें, ये मामला जो सामने आया है, आपकी प्रतिक्रिया क्या और कैसे महिलाएं अपने आप को सम्मानित महसूस करें अगर ऐसा होता रहा तो? देखिए, बहुत ही आश्चर्यचकित करती है और बहुत दुख भी होता है कि इस प्रकार के कार्रवाई सरकारी विभागों में हो रहे हैं। सामान्य जगह होती तो कोई और बात होती, बहुत ही गंभीर मसला है। मंत्री जी से मैं अभी तुरंत बात करूंगी और इस पे संज्ञान भी लूंगी, क्योंकि उस कर्मचारी ने किसके आदेश से किया जो आप ही कह रही हैं, ये भी हमारे मन में प्रश्न है कि जिसने ये आदेश दिया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे जानकारी अभी मिली है कि शायद मंत्री जी ने सस्पेंड के आदेश कर दिए हैं, परंतु फिर पूरी जानकारी मैं विभाग से प्राप्त कर रही हूँ आयोग के द्वारा, और सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगी, क्योंकि अगर इस प्रकार की व्यवस्था सरकारी विभागों में प्रारंभ हो जाएगी तो बहुत ही शोचनीय और चिंता का विषय है। महिलाओं के स्वाभिमान और सुरक्षा की बात जहां आप करते हैं और वहां ये सारी चीजें नजर आती हैं, तो बहुत दुख और कष्ट भी होता है और सख्त कार्रवाई का भरोसा आप लोगों को दिलाती है। बिल्कुल, और बेहद अपेक्षा भी प्रदेश की जनता को आपसे है, और खासतौर पर जब प्रदेश की मुख्यमंत्री एक महिला है तो अपेक्षाएं और भी बढ़ती है सुमन जी। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना कि मैं आयोग पहुंच रही हूं और अभी पूरे विषय को ध्यान में लेकर अधिकारियों से जानकारी ले रही हूं कि किसकी गलती थी, कहीं छोटे व्यक्ति को सस्पेंड किया जा रहा है, किसके आदेश थे, ये सारी चीजों को देखते हुए मैं भी इस विषय पर संज्ञान ले रही हूं और जो भी कार्रवाई होगी आप लोग को भी बताऊंगी, और महिला के हितों को देखते हुए, महिला की सुरक्षा को देखते हुए ही कार्रवाई होगी, इसमें कहीं कोताही नहीं बरती जाएगी। बिल्कुल, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले पर कार्रवाई हो, लेकिन सुमन जी एक सवाल बहुत बड़ा है प्रदेश भर में,
बार बार महिलाओं को अपने सम्मान के लिए क्यों गिड़गिड़ाना पड़ता है, क्यों नहीं हमारे अधिकारी या जो तमाम पुलिसकर्मी हैं या जो तमाम अधिकारी हैं उनकी मानसिकता आप इस तरीके से बदले कि महिलाओं को सम्मान देना वो अपनी जिम्मेदारी समझे? देखिए, अगर ये सब कुछ ये लोग समझते तो ये स्थिति नहीं होती, महिलाओं को आवाज उठाने की आवश्यकता नहीं होती। अगर सब कुछ समझ जाते सामाजिक स्तर पे, मैं कहूंगी दिमाग का दिवालियापन है उस अधिकारी की। मुझे लग रहा है कि कैसा बेवकूफ अधिकारी है जिसने ऐसे आदेश दिए, या वहाँ पे मैंने टीवी देखा उसमें महिला कांस्टेबल भी खड़ी है, वहाँ वो केवल खड़ी है और पुरुष जांच माप ले रहा है। ये बहुत ही अजीब संकेत इशारा कर रहा है और बहुत शर्मसार कर रहा है हमें। हम भी बहुत चिंतित हैं इसको लेके। और जहाँ तक आपने कहा कि ऐसा अधिकारी या ऐसा पुलिस करती तो ये सब कुछ होता तो सब कुछ ठीक ठाक ही होता। बिल्कुल, हमें खुशी है सुमन जी कि आप इस बात को समझ रही हैं। ऐसे में जिम्मेदारी राज्य महिला आयोग पर भी बड़ी है और उसकी अध्यक्ष होने के नाते आप पर क्या बकायदा कुछ एक प्रोग्राम, एक ट्रेनिंग जैसी शुरुआत या उसकी बातचीत पहल आप कर सकती हैं? इसीलिए मैंने बताया ना सुनीता जी कि जब मैं आयोग की अध्यक्ष बनी तो मुझे लगा कि केवल घटना घटित हो जाए उसके बाद मैं कार्रवाई करूं, ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, इसलिए मैंने सोशल अवेयरनेस के बहुत सारे कार्रवाई प्रारंभ किए हैं। और कहीं से भी छोटी भी कंप्लेंट मिलती है मुझे, वो कहा अधिकारी बड़ा हो छोटा हो ये कोई मायने नहीं रखता है, राजकर्मचारी हो या सामान्य अपराधी की श्रेणी में उसको लाऊंगी, दंड दिलवाऊंगी। ये मेरा कमिटमेंट आयोग से भी है और उन तमाम महिलाओं से भी है जो महिलाओं के खिलाफ अपनी नजर और नीयत दोनों खराब रखते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में वन विभाग की परीक्षा के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां फिजिकल टेस्ट के लिए आई महिला उम्मीदवारों का टेस्ट महिलाओं ने नहीं बल्कि पुरुषों ने लिया। इस पूरे मामले को जी मीडिया ने प्रमुखता से उठाया, अब इस पर कार्रवाई भी शुरू, लेकिन सवाल ये आखिर कब तक? महिला सीएम के राज में महिलाओं का अपमान। महिलाओं का फिजिकल टेस्ट कर रहे हैं पुरुष। वन विभाग की परीक्षा में बड़ी लापरवाही। यह अजीबोगरीब घटना राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की है। वन विभाग की लिखित परीक्षा में पास हुए करीब 1500 उम्मीदवारों के शारीरिक परीक्षण में बड़ी लापरवाही देखी गई। फिजिकल टेस्ट के दौरान महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग इंतजाम नहीं थे बल्कि दोनों का परीक्षण पुरुष ही कर रहे थे। ये बड़ी लापरवाही होती रही और किसी को भी जरा भी परवाह नहीं थी कि यहाँ आई महिला उम्मीदवारों के लिए सबके सामने फिजिकल टेस्ट देना कितना मुश्किल हो रहा होगा। कैसे एक महिला फिजिकल टेस्ट के दौरान असहज है, सामने पुरुष को देखकर महिला को संकोच हो रहा है। पास ही एक महिला पुलिसकर्मी भी खड़ी है लेकिन उसने उम्मीदवार का फिजिकल टेस्ट नहीं करवाया। टेस्ट के लिए आए सभी उम्मीदवारों की ऊंचाई और सीने की चौड़ाई मापी जा रही थी। जिस समय ये जांच हो रही थी वहाँ वन विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी भी अधिकारी को वहाँ कुछ गलत नहीं लगा। जिन लोगों को शारीरिक परीक्षण के बाद फिट माना गया है उनकी दौड़ होगी और इसके बाद फाइनल रिजल्ट होगा। 57 पोस्ट के लिए परीक्षा हुई थी जिसमें से 1512 क्वालिफाई की थी। इसमें लड़कियों की 4 इवेंट हैं, 4 इवेंट लड़कों की हैं। लड़कियों के लिए स्टैंडिंग ब्राड जंप और 60 फुट मेडिकल और कल इनकी पैदल चाल करवाई जाएगी। लड़कों के लिए क्रिकेट बॉल थ्रो, सीट अप, मेडिकल और इनका भी कल पैदल चाल करवाई जाएगी। भारत में किसी महिला की फ्री स्किंग सिर्फ महिला ही कर सकती है, इसी तरह महिलाओं का फिजिकल टेस्ट भी सिर्फ महिलाएं ही करा सकती हैं। लेकिन चित्तौड़गढ़ में ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर अधिकारी खामोश हैं। हैरानी की बात यह है कि वन विभाग ने महिलाओं के टेस्ट के लिए महिला चिकित्सक को भी बुलाया था लेकिन शारीरिक जाँच पर उनका कोई ध्यान ही नहीं गया। जिस राज्य की मुख्यमंत्री महिला है और जो हमेशा महिलाओं के अधिकारों की बातें करती हैं, उनके राज्य में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे होती रही, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। चित्तौड़गढ़ से दीपक व्यास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और चित्तौड़गढ़ का ये पूरा मामला और इस पर बड़ी जानकारी आपको दे दें, मंत्री रेणवा ने भरोसा दिलाया जी मीडिया पर, जी राजस्थान न्यूज पर उन्होंने भरोसा दिलाया कि पूरे मामले की जांच करेंगे, आरोपी डॉक्टर पर भी कार्रवाई होगी क्योंकि इसी डॉक्टर की जिम्मेदारी थी, ये महिला डॉक्टर है, ये इसकी मौजूदगी में शारीरिक जांच हो रही थी और जो जांच कर रहा था वो एक पुरुष पुलिसकर्मी था। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ चर्चा की सामाजिक कार्यकर्ता निशा सिद्धू जी ने, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनवीर आपका भी शुक्रिया। सवाल कई हैं लेकिन समझना सिर्फ ये होगा कि कब तक हम ये माहौल बनाते रहें कि महिलाओं को अपने सम्मान की रक्षा के लिए भी लड़ना होगा। हालांकि अब जिस तरीके से आश्वासन मिले हैं, भरोसा दिया गया है, उम्मीद कम से कम ये कि प्रदेश भर की महिलाओं को, देश भर की महिलाओं को उनका सम्मान जरूर मिले।